जी हाँ, विनर की अनाउंसमेंट से कुछ घंटों पहले ही मीडिया पर भड़की है भुवनेश्वरी। दरअसल हुआ ये था कि एक चैनल की ओर से ये ट्वीट कर दिया गया था कि श्री शंत को फिनाले से कुछ घंटों पहले इविक्ट कर दिया गया है, जबकि ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। जी हाँ, ऐसी कोई खबर नहीं है कि श्री फिनाले से कुछ घंटे पहले बाहर हो गए हैं, बल्कि श्री शंत तो टॉप सेकंड पर लगातार बने हुए हैं और दीपिका के बाद सबसे ज्यादा वोट्स हासिल कर रहे हैं। इसी पर ही भुवनेश्वरी ने उस चैनल को फटकार लगाते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, गुड वर्क पीआर, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर यू इट्स नॉट ट्रू, श्री फैम डोंट बिलीव दिस न्यूज एंड सच पेजेस हु हैव जीरो फैक्ट्स एंड राइट ओनली फॉर देयर ओन प्लेजर #, वोट फॉर श्री शंत। जी हाँ, ये लिखते हुए भुवनेश्वरी ने इस फेक न्यूज का दिया मुंह तोड़ जवाब। वेल, ऐसे में हम यही कहेंगे कि भुवनेश्वरी ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। इस तरीके की फेक खबरें ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। वहीं श्री फैंस से हम ये कहेंगे कि आपके श्री शंत शो में बने हुए हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को करारी टक्कर दे रहे हैं। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क।